नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। देश भर में आज असत्य पर सत्य की जीत का पर्व यानी दशहरा मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच इस अवसर पर रामलीला समितियों ने विजयदशमी मेले के लिए मैदान की सफाई से लेकर रावण का पुतला तैयार करने का काम किया है। वहीं लोग घर पर बैठकर यानी वर्चुअल तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम देख रहे हैं। वहीं तमाम जिलों में भव्यता से रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आमतौर पर 150 फीट का रावण बनाया जाता है, लेकिन इस बार रावण की ऊंचाई कम करके 50 फीट कर दी गई है। वहीं बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी विजयादशमी के पर्व की धूम इस वक्त देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ समेत देश प्रदेश के तमाम जिलों से जश्न की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के 4 जिलों की तस्वीरें मौजूद है, जहां पर रायबरेली, औरैया, लखनऊ, आजमगढ़ से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर कोरोना के बीच में ये आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस वक्त रामलीला का मंचन किया जा रहा है, ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नहीं, भगवान राम ने त्रेता युग में रावण को मार के लंका पर विजय हासिल की थी। हमारे साथ इस कमेटी के कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। क्योंकि ये अगल बगल के आसपास जिलों की सबसे पुराना रावण दहन का कार्यक्रम है। क्या कहते हैं आपका? यहीं से हमारा जो है रामलीला का मंचन जीवन चालू हुआ। हमारे बाबा परदादा से ये अनवरत लगा चला आ रहा है और ये दशहरा की व्यवस्था अनवरत काल से चल रही है। हमें लगता है कि जब बाबा हमारे बताया करते कि हमको नहीं याद है, तो लगभग 250 साल की चलिए होंगे। और उसके बाद यहाँ का जो परंपरागत तरीका है, परंपरागत तरीके से भगवान श्री राम जब रावण दहन करता है सीता जी का, तो अंत तक उसका पाप उसके मन से और उसका ज्ञान, उसका अहंकार, ज्ञान के ऊपर अहंकार हावी रहता है। इसीलिए हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक प्रकांड विद्वान के अहंकार को भी समाप्त करने का काम भगवान श्री राम ने किया। मेरे बच्चे लक्ष्मण का पाठ इत्यादि इत्यादि, शहर के सब छोटे छोटे बच्चे, यही के स्थानीय निवासी बच्चों के द्वारा ये यहाँ पे रामलीला का मंचन किया जाता है। इस जिले का सबसे किस तरह यहाँ पर विशाल जनसंख्या उमड़ा हुआ है, आज ये विजयदशमी के दिन कहीं न कहीं असत्य पर सत्य की जीत का और बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये विजयदशमी का पर्व जो है आज यहाँ बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, और इसी तरह अनवरत में लगभग 300 सालों से ऊपर से ये रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते पिछली बार दशहरा व रामलीला की परमिशन नहीं मिल पाई थी, और लोगों ने जो है ऑनलाइन दशहरा व रामलीला का आयोजन किया था। ऑनलाइन के माध्यम से जो है जनता तक उसका जो है चित्रण पहुंचाया गया था। इस बार कोरोना का असर कुछ कम है, तो कहीं कहीं छोटी छोटी जगहों पर रामलीला व रावण दहन की परमिशन मिली है। तो अभी हम राजधानी लखनऊ के चिन्हाड़ में मौजूद हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के असर के चलते इतनी भीड़ तो नहीं इकट्ठी हो पाई है, और जो कमेटी के मेंबर हैं वो अभिनय स्वयं ही कर रहे हैं, तो उनसे हम जानते हैं कि कोरोना का कितना असर पड़ा है रामलीला और त्योहारों पर। क्या नाम है आपका? रामलखन वर्मा। रामलखन वर्मा जी, कोरोना जैसी महामारी के चलते पिछली बार रामलीला नहीं हो पाई थी, इस बार परमिशन मिली है, तो कितना ज़्यादा असर देखने को? असर जो है वो बहुत बड़ा असर है। ना तो मेला लग रहा है और ना हम लोग शोभा यात्रा निकाल पा रहे हैं, समझ गए। अब ये है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग मंचन कर रहे हैं, बिठा लें पब्लिक को थोड़ा दूरी दूरी पर बना के बिठा लें और रामलीला का मंचन कर रहे हैं। नहीं, ये तो कोरोना तो अभी हुआ, ये 2 साल पहले। इससे पहले क्या कभी ऐसा देखने को मिला कि रामलीला का आयोजन ना हो सका? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमेशा हुआ है। हम लोग छोटे पर से बात करते हुए आज 84 साल के हो गए पूरे। जो दुकानदार हैं उनको एक तरह का रोजगार मिलता था एक त्यौहार के दिन, और इस अब जो है कोरोना महामारी चलते ना उनको रोजगार मिल पाया, तो ऐसे में दिक्कतें किस किस तरीके के आ रही हैं? दिक्कतें ये आ रही हैं, जो बाहर से दुकानदार आया है दुकान लगाने के लिए, उसको यहाँ दुकानदारी नहीं है, यहाँ पब्लिक देखने नहीं आ रही है कोरोना महामारी के चलते,
और वो जब दूर दूर से आते हैं, भाड़ा लगाते हैं, किराया लगाते हैं, जब उनकी दुकानदारी ही नहीं होगी तो उनका नुकसान तो ही होगा ही। पहले कलाकार जो होते थे उनका रोजगार भी इसी से जो है चलता था, और बाहर बाहर से भी कलाकार आते थे, तो उनकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा फर्क पड़ा? बहुत ज़्यादा असर आया है, क्योंकि ऐसी वैश्विक बीमारी जो विश्वव्यापक बीमारी है, इस वजह से काफ़ी जो है लोग प्रभावित हुए हैं इससे, और इससे काफ़ी लॉस हुआ है लोग। देखिए, प्राचीन शहर है मंदसौर, और मंदसौर को हम दसपुर की नगरी के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए ऐसी किंवदंतियाँ रही है कि मंदसौर शहर जो दसपुर नगरी है और मंदोदरी का संबंध उस निमित्त यहाँ पर माना गया है, और संपूर्ण मंदसौर शहर यहाँ पर रावण महाराज को जमाई मानता है, और चूँकि मंदोदरी मंदसौर की बेटी है तो जमाई है, और मालवा की परम्परा के अनुसार हम जमाई राजा का यहाँ पर सम्मान करते हैं, माता बहनें उनका घूंघट करती है और पूरे तरीके से उनको मान सम्मान दिया जाता है। आज हम यहाँ पूरा समाज जन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, रावण महाराज के पांव में लच्छा बांधा है, मंदसौर शहर की सुख समृद्धि की कामना हमने की है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई बीमारी शहर में चल रही हो, किसी प्रकार की कोई व्याधि हो रही हो, तो उसका सबका निवारण हो जाए और पूरा शहर राष्ट्र परम वैभव की ओर आगे बढ़े और सुख। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।